वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 31 है। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के टाइम पर हम उसके प्रॉफिट के अंदर उसका कितना हिस्सा है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने की दो रास्ते हैं। पहला रास्ता था टाइम बेसिस, जो पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है सेल के बेस पर। सेल को हम टर्नओवर भी बोलते हैं। तो सेल्स के बेसिस पर हम उस पार्टनर की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। प्रॉफिट के अंदर उसका कितना पार्ट है, ठीक है। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ही ये टॉपिक समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशो है 2:1, ठीक है। ये ए बी सी हर साल क्या करते हैं, अपनी बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज करते हैं। अब मान लीजिए पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2020। इन्होंने बुक्स कब क्लोज की होगी, 31/3/2020। मतलब बुक्स क्लोज करने से ठीक 3 महीने के बाद एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो हमको क्या करना है, 31 मार्च 2020 से लेकर 30 जून तक का हमको इसे प्रॉफिट भी देना होगा, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में भी फर्म ने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया ही होगा। हाँ, ये बात सच है कि इस टाइम पीरियड के अंदर पार्टनर्स ने या फर्म ने कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी नहीं किया होगा, हमको प्रॉफिट का पता नहीं होगा। इसलिए इस 3 महीने के टाइम पीरियड का प्रॉफिट कितना है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम पीछे वाली साल के सेल्स प्लस प्रॉफिट के बेस पर इस साल के इस 3 महीने के टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि इस 3 महीने के टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट का पता नहीं लगा पा रहे, पर इन्होंने ये देखा कि यार पिछले वाले एक साल के अंदर हमारी सेल कितनी हुई थी, 10 लाख। पीछे वाले इसी एक साल के अंदर हमारे पास इस 10 लाख की सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ था, 3 लाख। तो सिंपल सी बात है, अब ध्यान से देखिए, पीछे वाले पूरे एक साल के अंदर इनकी सेल हुई 10 लाख, इस 10 लाख के ऊपर इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, 3 लाख। तो सिंपल सी बात है, अब इस 3 महीने के अंदर भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ सेल तो की होगी, इस 3 महीने के अंदर डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ सेल तो की होगी, हालांकि हमको प्रॉफिट का नहीं पता है। आप ये देखो कि इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन का सेल कितना है, इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन का सेल है 4 लाख, पर इस 4 लाख के अंदर प्रॉफिट कितना ऐड है, प्रॉफिट हम कितना मानकर चलें, ये हमको पता नहीं है। तो इस 4 लाख की सेल के अंदर प्रॉफिट कितना है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले सेल पिछले वाले ही प्रॉफिट को बेस बनाकर चलेंगे। आप सोचकर देखिए, पिछले वाले साल के अंदर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, और पीछे वाली साल की सेल कितनी है, 10 लाख। तो आप ये पता कर लीजिए कि एवरेज फॉर्म में देखा जाए तो प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, 100 कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने ये देख लिया कि प्रॉफिट पीछे वाले साल में सेल्स का कितना परसेंट है। तो यहां पर जब आप करके देखोगे कि प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, तो ये आपके पास आएगा 30%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीछे वाले साल में आपका जो प्रॉफिट हुआ था सेल के ऊपर कितना हुआ था, 30% हुआ था। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन का हमको प्रॉफिट नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर इस 3 महीने के टाइम पीरियड की हमारे पास सेल तो है। तो इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन की सेल क्या है, 4 लाख। अगर हमने पिछले वाले साल पूरा साल 30% प्रॉफिट कमाया है, तो इस साल हम 3 महीने में 4 लाख की सेल कर चुके हैं। 4 लाख की अगर हम सेल कर चुके हैं तो इस साल भी आप ये मानकर चलो कि इस साल भी हमने इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाया होगा, वो प्रॉफिट आएगा आपका 1,20,000 रुपए। ये प्रॉफिट किसका है, पूरी फर्म का, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले वाले साल फर्म ने टोटल सेल की थी 10 लाख, पूरी
फर्म का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। अब इस 3 महीने के अंदर फर्म ने सेल कितनी की? 4 लाख। तो फर्म की सेल अगर 4 लाख है, तो अगर हम 30% प्रॉफिट अर्न करें, तो फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000। अब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है वो कौन है? ए। तो आप क्या करो, ए का इसमें हिस्सा काउंट कर लो। कितना काउंट चेकअप करोगे आप? 2/5। क्योंकि फर्म के अंदर क्या होता है, जब भी फर्म प्रॉफिट कमाती है, पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, रेशो के अकॉर्डिंग देते हैं। तो पूरी फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का 1,20,000, जिस पार्टनर की डेथ हुई वो ए, इसका हिस्सा क्या बनेगा? 2/5। तो 1,20,000 का आप 2/5 करके देखना, तो डेफिनेटली हमने इस पार्टनर को कितना पे करना है? 48,000। या पार्टनर की तो डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली हम किसको देंगे? इसके एग्जीक्यूटर को देंगे। तो हमने इस केस में मान लो जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात, मैं आपको जर्नल एंट्री एक बार करके दिखाता हूं। देखो, 48,000 पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 48,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 48,000। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की पिछले वाले साल की सेल की बेस के ऊपर किया, क्योंकि पिछले वाले साल में सेल हुई उसके ऊपर प्रॉफिट कितना था, हमने परसेंटेज निकाल लिया कि परसेंटेज हमारे पास था 30%। इस 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन की हमारे पास सेल तो है पर प्रॉफिट का नहीं पता है, तो हमने इस सेल का भी 30% ही प्रॉफिट मान लिया। वो कितना आएगा? 1,20,000। तो ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 1,20,000 है, तो ए का हिस्सा कितना है? 2/5। तो 2/5 आप ए का प्रॉफिट में हिस्सा निकाल दो, 48,000। तो आपको उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। एंट्री हमारी कहां से होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो इससे पीछे वाला जो वीडियो था हमारा, वो था टाइम बेसिस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना, तो वो वीडियो भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा 32nd वीडियो आने वाला है, उसके अंदर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको ये केस जो हमने सेल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।